देहरादून के उद्यान विभाग में मानकों की अनदेखी कर पौधशाला का लाइसेंस जारी के मामले सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सरकार की ओर से जांच में पूरा सहयोग करने को कहा है। दरअसल उद्यान विभाग के इस घोटाले में सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं और 15 आरोपियों को नामजद किया है। वहीं सीबीआई अब तक 26 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। बता दें इस मामले में पूर्व निदेशक एचएस बावेजा को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिसमें 3 अफसर भी शामिल हैं जिनको सीबीआई कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। एक साल पहले आपने हरविंदर सिंह बावेजा को सस्पेंड किया था, एक साल बाद कल सीबीआई ने कई लोगों को नामजद किया है, एफआईआर दर्ज हुई है, आपको लगता है ये दूध का दूध पानी का पानी होगा? देखिए, वो चूंकि माननीय न्यायालय के आदेश पर सीबीआई उस पर काम कर रही है और राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिए होगा राज्य सरकार उसको देगी।